सारे सीन्स हैं जो बहुत मुश्किल थे करना, जो हमने कर लिए, जो हो गए। डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल थे, एक्ट करना बहुत मुश्किल थे, डिवाइस करना बहुत मुश्किल थे, ऐसे ऐसे सीन किए हमने। राबता का हमेशा से ड्रामेटिक क्वेश्चन हाई रहा है, हमेशा से बहुत ज़्यादा ड्रामा रहा है। और आई थिंक समहाउ शुरू में तो बहुत डर लगता था कि सीन कैसे होंगे, बट आई थिंक करते 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 700 एपिसोड कब निकल गए पता ही नहीं चला, माँ। कब इस शो ने हमारे आत्मा को छू लिया पता ही नहीं सच में। और एक्चुअली जब शुरुआत की थी तब किसी ने सोचा ही नहीं था कि मतलब कहाँ तक जाना है, नहीं तो यू नो यूजुअली लोग सोचते हैं कि बस इतना हमारा टारगेट है, हमें ये रीच करना ही है। वी नेवर रियली हैड अ टारगेट, हम बस चलते गए और अभी तक चल रहे हैं। मेरे थैंक्स ऑफ गॉड। और आई थिंक सिर्फ शो का नाम राबता नहीं है, सारे यूनिट के मेंबर्स के साथ ही इतना अच्छा राबता बना है हमारा। हर शो की स्टोरी पहले से डिसाइडेड होती है कि हमको कितना एक्सटेंड करना चाहते हैं। काफ़ी ऐसे शोज होते हैं जो एक्चुअली नहीं एक्सटेंड करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू एंड इट इन अ सर्टेन वे। तो हो सकता है कि वो शो इसलिए बंद हुआ, नॉट नेसेसरी दैट कि यू नो कॉम्पिटिशन चल रहा था एंड यू नो इट कुड नॉट कीप अप विद अस, ऐसा नहीं है। कई शोज की स्टोरी लिमिटेड रहती है एंड आई थिंक गुडन वाज वन ऑफ दैट शो। टीआरपी बेस्ड हमने कभी टीआरपी सूची काम किया नहीं था, काम अच्छा करते चले गए तो टीआरपी बढ़ती चली गई खुद ब खुद। ऐसा दो महीना था नंबर वन आई थिंक, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि जाएगा भी इतना ऊंचा, लेकिन चला गया। स्टोरी अच्छी, स्टोरी लाइन अच्छी थी, सीन्स अच्छे हो गए तो अच्छा चलता चला गया। अच्छी चीज और आई थिंक देख रहे हैं तो आई थिंक वैसे ही अपने आप चलेगा, चलेगा ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। या बाकी हम यहाँ यार ये जो रास्ता स्टार्ट हुआ है मतलब 700 तक, और आप लोग कितना चाहते हैं कि ये कहाँ तक ये जर्नी जाए? यार ये 4 डिजिट हो जाए हमसे खत्म ही ना हो, हमसे पूछेंगे तो खत्म ही ना हो। क्योंकि उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है, चाहे टीआरपी हाई रही हो चाहे लो रही हो, फैंस हैव मोटिवेटेड अस अ लॉट ड्यूरिंग दिस। कीप
इवन ऑन सोशल मीडिया रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, वीडियोस बनाते हैं हमारे जो हमें भी पता नहीं होता, एंड हमसे मतलब इक्वल एफर्ट्स वो लोग भी ले रहे हैं हमारे लिए. मतलब उन्होंने इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना के भेज दिए कि मैं राब्ता का खुद फैन हो गया हूं. हम एक्चुअली राब्ता के सबसे बड़े फैन हैं और गिफ्ट्स भेजते हैं. बहुत प्यार होता है जो, और एक बड़ा रीजन शो के अभी तक चलने का वो प्यार ही है. आई थिंक ऑडियंस से जो कनेक्ट बना है बिकॉज ऑफ राब्ता शो, दैट हैज बीन अ रीजन व्हाई ये 700 का. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Yeah.